मिशन पश्चिम बंगाल में जुटे गृह मंत्री अमित शाह, बांकुड़ा में आदिवासी के घर में खाया खाना, कहा ममता सरकार के खिलाफ दिख रहा है जन आक्रोश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में कहा ये मेरा आखिरी चुनाव, अंत भला तो सब भला। पाकिस्तान सरकार के फैसले का विदेश मंत्रालय ने किया विरोध, करतारपुर पर फैसला वापस लेने की मांग, इमरान सरकार ने करतारपुर गुरुद्वारे का प्रबंधन सिख समुदाय से लेकर गैर सिख समुदाय को सौंपा। मुख्तार अंसारी की विधायकी रद्द करने की याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष ने लिया संज्ञान, हृदय नारायण दीक्षित ने कहा नियमों के मुताबिक लिया जाएगा फैसला। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची का विवादित बयान, कहा लखनऊ की मस्जिद में करना चाहती हूं हवन, मस्जिदों और मदरसों में सिखाया जाता है लव जिहाद। बागपत की एक मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करने की इजाजत देने वाले इमाम पर गाज गिरी है, उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है, कल ही युवक ने मस्जिद में किया था पाठ। रामपुर में शांति भंग के नोटिस में 5 साल के बच्चे का नाम, बच्चे को लेकर डीएम के सामने पेश हुए परिजन, पिता का संपत्ति को लेकर चल रहा था विवाद। दिल्ली में कोरोना को लेकर हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी, कहा जल्द ही देश की कोरोना कैपिटल बन सकती है दिल्ली, केजरीवाल सरकार के दावों पर भी उठाए सवाल। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 83 लाख के पार, 24 घंटे में 50,210 नए केस, 704 मरीजों ने तोड़ा दम, रिकवरी रेट 92% से ज्यादा। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल का कोरोना पर अपडेट, बोले कुछ जिलों में कोरोना के नए मामले आए सामने, उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हाथरस केस की जांच में सीबीआई के रडार पर पीड़िता का परिवार, सीबीआई ने पीड़िता के भाई से पूछा क्या तुमने किया बहन का कत्ल। लखनऊ में मुनव्वर राणा की बेटी समेत कई कांग्रेसी नेता हिरासत में, महिला उत्पीड़न के मुद्दे पर प्रदर्शन करने की थी तैयारी। बरेली में मॉब लिंचिंग की घटना, भीड़ ने की हत्या, दुष्कर्म की आरोपी की पीट पीट कर हत्या, पुलिस ने रखा था 25,000 का इनाम। बाराबंकी में पिता पर लगा अपनी बेटी की हत्या करने का आरोप, तंत्र मंत्र के चक्कर में उतारा मौत के घाट, पत्नी की शिकायत के बाद हुआ मामले का खुलासा। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, प्याज और आलू की माला पहनाकर जताया विरोध। रामपुर में नेशनल हाईवे पर किसानों का धरना प्रदर्शन, किसान बिल का किया विरोध, पुलिस ने हंगामा शांत करवाया। बिजनौर में कृषि बिल के विरोध में किसानों का प्रदर्शन, नजीबाबाद रोड पर किसानों ने चक्का जाम कर किया विरोध, बाद में पुलिस के समझाने पर जाम हटाया। अल्मोड़ा में राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, प्रदीप टम्टा ने कहा मोदी सरकार के आने के बाद महिलाओं और दलितों के मामले में अपराध का ग्राफ बढ़ा। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना इलाके में मिला युवक का शव, शव की शिनाख्त के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चित्रकूट के राजापुर में दो भाइयों के बीच में खूनी झड़प में एक की मौत, मारपीट में 3 लोग हुए गंभीर रूप से जख्मी, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, एसटीएफ ने 6 आरोपियों को धर दबोचा, नौकरी के नाम पर 15 लाख तक वसूले थे। ललितपुर में सड़क हादसे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, एसपी ने सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाए जाने की बात कही। गाजीपुर में नगरपालिका की लापरवाही की वजह से बिजली गुल, नगरपालिका की जेसीबी से कूड़ा उठाने के दौरान अंडरग्राउंड केबल कट गई। मुरादाबाद के कुंदरकी थाना इलाके में मिला 14 साल के बच्चे का शव, पुलिस ने शव के शिनाख्त के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा, बच्चे की गला रेतकर निर्मम हत्या। अमेठी के शुक्ल बाजार इलाके में सड़क हादसा, हादसे में एक शख्स की मौत, मिलर मशीन की चपेट में आने से हुई मौत, गुस्साए लोगों ने केमिकल प्लांट में लगाई आग। महोबा में लकड़ी की टाल में लगी भीषण आग, आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक, आग की चपेट में आने से 2 गाड़ियां भी जली। मुजफ्फरनगर में कार रिपेयरिंग सेंटर में लगी आग, आग लगने से 4 गाड़ियां जलकर खाक, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। संभल में गुन्नौर थाना क्षेत्र के नूरपुर तिराहे के पास एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर यात्री शेड में घुसी, हादसे में आधा दर्जन यात्रियों को आई चोटें, तेज रफ्तार ट्रक से बचने के चक्कर में हुआ हादसा। बरेली में एक युवती अपने प्रेमी के घर के बाहर धरने पर बैठी, युवती का आरोप प्रेमी ने शादी का झांसा देकर 4 साल तक संबंध बनाए, अब 8 नवंबर को दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा है। शामली के सदर तहसील में बुधवार को मैरिज रजिस्ट्रेशन और सुरक्षा की मांग को लेकर पहुंचे प्रेमी युगल को लड़की के परिजनों ने पकड़कर पीटा, 3 महीने पहले दोनों ने परिवार की मर्जी के बिना की थी शादी।
मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के नामी बदमाश फैसल अब्बास को गिरफ्तार किया है। बदमाश के पैर में लगी गोली, बदमाश के पास से मोटरसाइकिल, एक तमंचा और 4 कारतूस बरामद। देवरिया के एक होनहार छात्र सूर्यप्रकाश यादव की फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने की मदद। सूर्यप्रकाश की इंजीनियरिंग की फीस जमा करके सोनू सूद ने की मदद। उधम सिंह नगर के खटीमा में वार्ड सभासद ने साफ सफाई न होने से नाराज होकर नगर पालिका के सामने की आत्मदाह की कोशिश। स्थानीय लोगों ने सभासद को रोका। मेरठ पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश इमरान को गिरफ्तार किया है। बदमाश को लगी गोली। मऊ में धान की पराली जलाने को लेकर पुलिस ने 7 लोगों पर दर्ज की FIR। एक हार्वेस्टर मशीन को भी किया सीज। प्रतापगढ़ की कुंडा कोतवाली क्षेत्र के परेंदुपुर गांव में खेत से महिला का शव मिला। कल शाम से लापता थी महिला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में 2 परिवार आपस में ही उलझे। प्रेमी युगल के शादी करने के बाद दोनों परिवारों में हुई तूतूमैमै। चीनी पटाखों की अवैध रूप से बिक्री पर लगाम लगाने के लिए DGP ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। DGP ने बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। गौतम बुद्ध नगर में पटाखे की दुकान लगाने के लिए प्रशासन अब सभी पटाखा दुकानदारों को अस्थायी लाइसेंस जारी करेगा। प्राधिकरण की ओर से चिन्हित जगह पर स्थायी टेंट लगाने के लिए दुकानदार 8 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सरकार पर अवैध शराब पर कार्रवाई के नाम पर बोतलेबाजी करने का आरोप लगाया। उन्नाव की पूर्वा विधानसभा सीट से विधायक अनिल सिंह ने CGO के स्टेनो संजय यादव पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। सीएम योगी को भी लिखा पत्र। पौड़ी के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कैदियों को किया गया क्वारंटीन। वहीं पर लगती है बच्चों की कक्षाएं, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। अब मदरसों के छात्र छात्राएं भी ऑनलाइन तालीम हासिल कर सकेंगे। सरकार ने राज्य के सभी मदरसों को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में फिंगरप्रिंट यूनिट के गठन पर गंभीरता से विचार चल रहा है। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने फिंगरप्रिंट ब्यूरो में एक्सपर्ट कर्मचारियों की कमी को जल्द ही दूर करने के निर्देश दिए। दिवाली से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्लीवासियों से अपील। 14 नवम्बर को शाम 7:39 पर एक साथ करें लक्ष्मी पूजन। इस बार मनाएंगे बिना पटाखे वाली दिवाली। दिल्ली में आज भी जहरीली हुई हवा, कई इलाकों में जहरीली स्मॉग की चादर। दिल्ली में ओवरऑल AQI का स्तर 333 पहुंचा। नोएडा में 366 के स्तर पर AQI। राजधानी लखनऊ में हवा की गुणवत्ता खराब। आंकड़ों के मुताबिक AQI 312 के स्तर पर पहुंचा। वाराणसी में भी प्रदूषण से बुरा हाल। एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 पहुंचा। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे के नेपाल दौरे का आज दूसरा दिन। नेपाली सेना ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। फ्रांस से नॉनस्टॉप उड़ान भरकर गुजरात के जामनगर पहुंचे 3 रफाल लड़ाकू विमान। वायुसेना ने ट्वीट कर दी जानकारी। पश्चिम बंगाल के हाशीमारा में तैनात होंगे 3 रफाल लड़ाकू विमान। DRDO ने ओडिशा में किया एडवांस पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण। सभी 6 रॉकेट ने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेदा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में 2020 वाला रोमांच। जो बाइडेन और ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर। बुधवार को चांदी में 1200 रुपए से ज्यादा की गिरावट। सोने की कीमत में लगातार दूसरे दिन देखी गई तेजी। प्राइवेट जॉब वालों के लिए खुशखबरी। कोविड से उबरने के बाद कंपनियां फिर से टैलेंट पर निवेश का बना रही है मन। सर्वेक्षण के मुताबिक 87% कंपनियों ने वेतन बढ़ाने की बनाई योजना। जैस्मिन बनी बिग बॉस के घर की नई कैप्टन। पवित्रा को कड़ी टक्कर देकर जैस्मिन ने हासिल की कैप्टनसी।